पुष्पा जी, आप इतना हाफ क्यों रही? आपको हार्ट अटैक आ गया क्या? रुको, मैं अभी कभी एम्बुलेंस भेज दूंगा। अल्लाह भाग, कभी तो अच्छा सोचा हमारे बारे में। हार्ट अटैक नहीं आया हमें, हम ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। अरे पुष्पा जी, मैं बिल्कुल सही थी। जानवी का बॉयफ्रेंड है। हैं? कौन है? जॉन त्रिपाठी। दो दो है? दो दो नहीं पुष्पा जी, जॉन त्रिपाठी उसका नाम है। ऐसा कैसा अजीब सा नाम है? अगर वो जॉन है तो फिर वो त्रिपाठी कैसे हुआ? और अगर वो त्रिपाठी है तो फिर जॉन कैसे हुआ? अरे पुष्पा जी, उसका असली नाम जनार्दन त्रिपाठी है। थोड़ा मोड़ा बॉडी वॉडी ठीक ठाक बना लिया, प्रोटीन वोटीन खा के, या जॉन इब्राहिम का फैन है तो अपना नाम जनार्दन त्रिपाठी से बदल के जॉन त्रिपाठी कर दिया है। अब पूरा मोहल्ला, आसपास का लोग उसको इसी नाम से जानता है, जॉन त्रिपाठी। अरे अरे, रुकता कैसे है? रुकता ही तो नहीं है पुष्पा जी, सारा टाइम जिम करता रहता है वो। नहीं नहीं, पुष्पा जी, वो स्पीड कम करने वाला बटन दबाई है आप? हाँ, वही तो दबाया। वही नहीं दबाना है, खराब है वो। बढ़ाने वाला बटन दबाई है, उससे कम होगा वो। कम हुआ पुष्पा जी? तो पहले नहीं बता सकते थे? पुष्पा जी, अब अचानक से आपका ट्रेडमिल पर टहलने का मन करने लगे, ये हमको थोड़ी पता था। ठीक है ठीक है, तो फिर किस बात की देरी है? पता करो वो जॉन त्रिपाठी कहाँ मिलेगा। पुष्पा जी, पता कर लिया है। ये जॉन त्रिपाठी है ना, उसको जिम करने का इतना शौक है कि वो जिम में ही रहता है, घर जाता ही नहीं है। 12-12 घंटा बॉडी बनाएगा, जिम करेगा, तो घर जाने का मौका कहाँ मिलेगा उसको? वहीं जिम में पड़ा हुआ है, मार रहा है डंबल। हे शिव जी, कैसा झक्की आदमी है ये। ठीक है, हम ये रिपोर्ट मैडम सर को देते हैं। उठा कर लेकर आओ उसे थाने, अब मैडम सर उसे सवाल पूछेंगे। ठीक है पुष्पा जी, ठीक। ये जंगल राज है मैडम सर, और जंगल में जीने के लिए बेरहम होना पड़ता है। माना कि ये जंगल राज है, लेकिन इस जंगल राज में हम इंसान हैं, इसलिए हमारी लड़ाई अपराधी के अंदर की उस बुराई से, अपराधी से नहीं। ओ नहीं, हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम सर, इसलिए हमें आपके जज्बाती चोचलों से नफरत है। हर कोई आपके जज्बात के लायक नहीं है मैडम सर, नियत नाम का भी चीज होता है। 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए, पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। मैडम सर कह रही है वैसा बन जाए या जो हमारा दिल कह रहा है वैसा रहे, क्या करें? अरे पर बदलना क्यों है, भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है, हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ये आप कह रही हैं? सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज हैं, आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। क्यों बदले हम, काहे बदले खुद को, किसके लिए बदले खुद को? अम्मा यही तो हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है। अगर किसी को हमें अपनाना है तो हमारी इसी पहचान और इसी अस्तित्व के साथ अपनाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे हम थाना, फाइनल। अरे क्या ये? अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन है आप लोग? ओ भाई साहब, कुछ पूछ रहे तुमसे। अरे अरे जीते सब, क्या है ये? हमने तुम्हें जिम से जॉन को लाने के लिए कहा था, पूरा जिम उठाने के लिए नहीं कहा था, ये क्या है? अरे मैडम सर, इसी शर्त पे तो जॉन त्रिपाठी यहाँ पर आने को तैयार हुए हैं कि जहाँ वो जाएंगे उनका जिम भी वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। देखिए 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 मैडम सर, मैडम सर क्या बताएं, बहुत बड़ा जिम का लग्गू है, ट्रेडमिल पे पैदा हुआ है। देखिए मैडम सर, वो देखिए चलता फिरता मटन शॉप आ भी गया।
मिस्टर जॉन त्रिपाठी, हमें SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आप जानते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये देखिए, क्या इस लड़की को जानते हैं आप? जानवी, आपकी गर्लफ्रेंड, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, आपका इतना नजदीकी रिश्ता है। मिस्टर जॉन, संतु, अरे क्या हो क्या गया इसे? सांप सूंघ गया क्या? बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? ओ हेलो भाई साहब, ओ रे रे जॉन, देखा देखा पुष्पा जी, बॉडी का रॉब दिखा रहा है। हाँ। इसे ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी बॉडी तो कोई पंगा नहीं लेगा। संतु जी, गलतफहमी पाली है आप। बॉडी की वजह से थोड़ी ही रॉब दिखाएगा। अरे बॉडी बॉडी होना मल बनने का निशानी थोड़ी है। तो पाउडर खाकर रेत जैसा बॉडी बना लिया, इसे छू देगा मर्द ना कोई असली वाला, तो भरभरा के गिर जाएगा। समझ रही हैं? असली मर्द बनने के लिए ना एकदम जिगरा चाहिए होता है, वो है हमारे पास। मुंह खुलवा के दिखाना, इतना ही तुरमखा बन रहा है तो। मुंह खुलवाना कौन सा बड़ा भारी बात है संतु जी? बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल लोग का मुंह खुलवाया हम। अरे बाबू, ए सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो जॉन भैया, सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो सीधा तरीका से जवाब दे दीजिए ना। पूछ रही है मैडम सर तो। ओ पुलिस वाले भाई साहब, सुना मैंने मैडम सर ने क्या कहा? देखिए देखिए संत जी, दे दिए जवाब। अच्छा, सुनाई दे रहे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब मैडम जी मैं अपने वकील के सामने दूंगा, आता होगा भी पीछे होगा कहीं, है? और उसके आने से पहले आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते जवाब देने के लिए। वैसे तुमने ये बॉडी बनाई कैसे? नहीं मतलब ऑब्वियसली जिम में तो तुम करते ही हो, लेकिन अब खाते पीते क्या हो? मैडम जी मैं सी फूड खाता हूँ। अच्छा सी फूड। ओ सी फूड, तभी तो इनके बॉडी में इतनी मछलियाँ दिख रही है। ये देखो रेहू, मांगूर और ये, हे बाप रे, झींगा, दो दो झींगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? सी। इस वक्त आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह आपका नाम है बिल्लू निवास, और मेरा बिल्लू चंपात। भाई साहब आप तो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। हैं? मैंने सी फूड कहा, सी मतलब सिर्फ देखना, मैं खाता नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगती है ना मैं चीज सामने रख लेता हूँ, उसे देखता हूँ और मेरा पेट भर जाता है, तो हुआ ना सी फूड। क्या कुछ भी बकवास कर रहा है संतोष, ऐसा थोड़ी होता है, आदमी खाना तो खाता है जिंदा रहने के लिए। सी फूड दिखाता हूँ आपको, यो देखो, इसमें देसी घी के लड्डू हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे, लेकिन 10 साल से खाए नहीं मैंने, और इतनी मेहनत के बाद, इतने वर्कआउट के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद ना, इस लड्डू का एक टुकड़ा भी इसकी कैलोरीज नहीं खा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। इस तरह बॉडी बनती है, इतना सैक्रिफाइस करा मैंने इस बॉडी के लिए। वाओ यार, क्या कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है, ये सब फालतू चीजें संतु जी, सब ऐसा नहीं, खाना पीना खाना चाहिए आदमी का। जॉन चलो बस, बहुत हो गया है तुम्हारा जिमिंग का नाटक, ये सब बंद करो और कोऑपरेट करो। बताओ जानवी कहाँ है? मैडम सर मैंने भी आपसे कहा है, जब तक वकील नहीं आता मैं तब तक कोई जवाब ना दे रहा। मुंह खुलवाना हमें आता है। अच्छा कोशिश करके देख लो, मैं भी देखता हूँ इस महिला पुलिस थाने के अंदर किसी का मुंह कैसे खुलवाया जाता है। मैडम सर, मैडम सर, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें रोकिए, वरना कहीं हम उसका मुंह ना फोड़ दें। महिलाओं पर टिप्पणी किए जा रहे हैं। पहले खुलवा ले उसका मुंह, फिर आप फोड़ देना। वही तो मैडम सर, एक ही एक्सपर्ट है ना हमारे पास, करिश्मा मैडम, उनको आप बुला नहीं रहे। आप कहे तो मैं फोन करके बुला लूं, वो आके यहाँ पे एक कंटा मारेंगे ना, सब पटर पटर बोलने लगेंगे। हां तोता की तरह बोलेगा मैडम सर। उसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे कैसे मैडम सर, पहाड़ जैसा आदमी, कैसे इसका मुंह खुलवाएंगे आप? जॉन बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनाई है ना ऐसी पहाड़ जैसी बॉडी,
मीठा तो खाते ही नहीं हो, 10 साल से सिर्फ ये लड्डू देखकर काम चला रहे हो, करेक्ट? चीता, संतोष, बिल्लू, पकड़ो इसे। पुष्पा जी, लड्डू खिलाइए। मुंह खोलो, खाओ, जल्दी खाओ। संतोष, जल्दी हाथ पकड़ो, 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 पकड़ो। देखो, मैं लेडीज लोग को कुछ नहीं कहता, प्लीज प्लीज, लड्डू नहीं, लड्डू नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, अपना मुंह खोलो और पहले बता दो तुम जानवी के बारे में क्या जानते हो। खाओ जल्दी। नहीं 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 नहीं, बस मैं लड्डू नहीं, माफ कर दो। चुपचाप हमें कोऑपरेट करो, बताओ कि जानवी के बारे में क्या जानते हो, वरना इतने लड्डू खिलाएंगे कि 2 महीने लग जाएंगे तुम्हें इसकी कैलोरीज बर्न करने के लिए। मैम, मैडम जी, जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। मैं तो जी बस उसका आवाज का दीवाना हूँ। वो तो जी सीरियस हो गई शादी के लिए, बोलन लगी मुझे। मैडम जी, आपने उसकी नाक देखी, इतनी लंबी नाक, तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। उसके बाद तो जी वो ना फुट फुट के रोने लगी मेरे घर पे, और उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई मैं नहीं जानता जी। कहीं इस नालायक के रिजेक्शन की वजह से बेचारी, मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ऐसा लिखकर आत्महत्या तो नहीं की होगी? अरे मैं दब गया, इसको उठाओ। मुंह पे पानी छींटिए जरा। जॉन, अरे क्या 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 मैंने क्या किया आप सबने? जी आप? अरे मैं इनका डॉक्टर। मगर कपड़े तो आपने वकील के पहने। हाँ वो भूल गया, मैं इनका वकील। अरे क्या किया आपने इनके साथ? इतना 3rd degree के वो कोलैप्स हो गए। अरे मेरे क्लाइंट को आपने मार मार के बेहोश कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबको। एक मिनट सर, एक मिनट, खुद से ना आप कहानी मत बनाइए। हम लोग इनको क्या 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 किया हम लोग इनके साथ जो बेहोश हो गए हैं? हाँ? अपने आप से बेहोश हुए हैं भाई। अरे बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? आपने मेरे क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की है, ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं पूरे थाने की। देखिए ये पूरे थाने को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। एन के नाम है मेरा। का 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 पूरा नाम का है? निम्रत कौर। अरे जेंट्स है वो। निर्मल कुमार, निर्मल कुमार नाम है मेरा। पूरा थाना हिला दूंगा, पूरा थाना। ये देखो भोकल देवी आ गई। हमें पता था आप जरूर आएंगे मैडम सर, मुसीबत में और आप नहीं आएंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। बाहर एकदम बवाल मचा हुआ है ह्यूमन राइट्स और पत्रकारों का, आपके खिलाफ नारेबाजी हो रहा है। नहीं, आज तक ये सब हमारे लिए होता था, हमें हिंसक बोला जाता था, आप क्या हमारी सूची में आ रही हैं क्या? आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले। आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं,
हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं। आप हैं और हम अपनी अपनी फितरत, अपनी अपनी तबीयत। तो फिर आप ये कैसे चाहती है कि हम वो हो जाए जो आप हमें बनाना चाहती है? आप हमें काहे बदलना चाहती है? जब आप हमारी जैसी नहीं हो सकती तो हमसे काहे उम्मीद करती है कि हम आपके जैसे हो जाए? करिश्मा सिंह प्लीज, देखिए हमारे पास इस वक्त हमारे इस एंडलेस डिस्कशन का वक्त नहीं है, इसलिए हम किसी और दिन के लिए मुलतवी करें तो बेहतर होगा। आप देख ही रही हैं कि हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। शांत रहिए जरा। और वैसे भी जब आप जानती हैं कि आप कभी नहीं बदलने वाली हैं तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? ये एहसान दिखाने की जरूरत क्या है? आप अच्छे से जानती हैं कि हमें आपके तरीकों की ना पहले जरूरत थी और ना ही आज है। जरूरत तो पड़ेगा मैडम सर, आपको हमारा जरूरत तो पड़ेगा, लेकिन अभी आपका अहंकार ये बात मानने के लिए आपको इनकार कर रहा है। आप चाहती है ना कि हम बदले, हम मुजरिमों को जो है आपकी जज्बाती का डुगडुगी बजा के उनको समोसे खिलाए, उनको उनको लोरी गा के सुनाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम काहे बदले, हमें भगवान ने जैसा बना के भेजा हम वैसे ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन आज से एक प्रयास करेंगे कि हम आपको बदले, आपकी सोच को बदले, आपको आपके ये जज्बाती झूले से उतार के जमीनी सच्चाई दिखाए। जब कभी भी मैडम सर आपको हमारा जरूरत पड़ेगा या हमारे तरीकों का जरूरत पड़ेगा तो हमें बता दीजिएगा, हम आपके पास ही हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। वह मैं आपका, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर होगा मैडम सर। अभी रात को तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह फिर आएंगे धरना देने। चलो। ओए! अरे बदनाम, इससे चाय तो पीकर जाइए। अरे चाय। ओए! चलो भगवान का शुक्र है, रात के लिए तो गए। हाँ, लेकिन कह के गए कि कल फिर से आएंगे। और मैडम सर, हम ये कह रहे थे कि समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जैसे लोगों का भी जरूरत है। हमें आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जय हिंद मैडम सर। जय। संतु, जैसे हालत में ना हम लोग को लोग अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था, हम लोगों ना वहीं पर रुक जाना चाहिए था। तो मैडम सर का ऑर्डर था ना। लेकिन मुझे किसने ऑर्डर दिया था इस निठल्ले के घर आने का? ओ, एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया। कमर के ककड़े बन गए, पपड़ी बन गई है। आ गए तुम। प्रणाम बुआ जी। हमें पता चल गया है तुम्हारी समस्या क्या, जड़ का। कौन सी समस्या और कौन सा जड़? इन दोनों का वैवाहिक जीवन जो है, जो लड़खड़ा रहा है, उसका कारण हमें पता चल गया है, क्योंकि इन दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। बुआ, फुआ, फुआ, एक एक, एक, एक मिनट। अरे कितना ज्यादा दखल दीजिए इन लोग वैवाहिक जिंदगी के बीच में। आप चुप रहो तुम, देखो कैसे दिख रहे हैं। एक गाजर है और एक अदरक है, वो भी काला। कौन रहना चाहेगा ऐसे गोभी के डंठल के साथ? देखो चितेश्वर को, देखो कितना फिटफाट है, महीन है। लड़कियों को ऐसे छरहरे लड़के पसंद आते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे जड़ीले आलू नहीं। बुआ जी, एक्सक्यूज मी, पहले आपने मुझे अदरक बोला। बात मत करो, हमारी बात सुनो। आज से तुम्हें चितेश्वर जैसे बनना है, बस उसके जैसा छरहरा बनना है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आज से कसरत शुरू करनी पड़ेगी। बुआ जी, अभी हम व्यायाम करके ही आए हैं। देखो हमारे फसल और बगल में देखो कितना फासला है। अच्छा, धूल झाड़ने को तुम सफाई कहते हो? बक्सी भैया होते तो तुमसे कमांडो ट्रेनिंग करवाते, हम तो कसरत ही करवा रहे हैं। चलो उठक बैठक शुरू करो। चलो चलो शुरू करो उठक बैठक। चलो। हाँ हाँ, कर रहे हैं, कीजिए। ठीक है, करते हैं उठक बैठक। कीजिए कीजिए। चलो। एक। देखा बक्सी भैया, कमजोर है। मैडम सर, अगर जॉन को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, हमारे थाने को फिर कोई नहीं बचा पाएगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हम बचा सकते हैं,
अगर मैडम सर हुक्म करे तो हम ये मामला रफा दफा कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम किसी को तोड़ने फोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं, हम सारा आरोप अपने सर पर ले लेंगे। नहीं, हम तो बदनाम ही है ना ऐसी चीजों में, एक और आरोप लग जाएगा, एक और विभागीय कार्रवाई हम पे बैठ जाएगी। कोयले पे काला टीका लग जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आप मैडम सर और ये थाना तो बचेगा। बस इनको बोलिए कि हमें ये कह दे कि इन्हें हमारा जरूरत है, हम सारा टंटा यूं ही निपटा दें। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा सिंह, लेकिन अब तक हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी पड़े। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जॉन की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है।